तो बताओ कौन सा छोड़ रहा, 2000 रुपये सम्मान निधि सारे राजपूत ले रहे, बताओ छोड़ देगा कोई उसकी बाबा योगी का? मोदी जी 2000 रुपये सम्मान निधि दे रहे, कोई छोड़ रहा? सब ले भाग के जहाँ बैंक में, कहने लगा 2000 रुपये आ गए भाई। हाँ जी, तो मतलब निधि सरकार की योजना सब ले? हाँ जी, पैदा सब ले रहे जी, सबको सबको करनी चाहिए। हाँ जी, तो मतलब जो है अगर योजना ले रहे तो वोट भी देनी चाहिए? वोट भी देनी चाहिए जी, जब योजना ले रहे हैं तो पूरा सुविधा तो पूरी दे रहे जी। गांधी कह रहे हैं हमारे अंदर पटों में ताकत है, मैं युवा हूँ, मोदी जी थोड़े बूढ़े हो गए। कहीं नहीं जी, मोदी जी तो अभी युवा ही है, उनसे ज्यादा चल रहे हैं मैं आज भी। हाँ जी, राहुल गांधी से ज्यादा चलते हैं मैं आज, मोदी जी आज भी। तो क्या लग रहा है इकरा हसन के से कितना वोट मिल सकता है राजपूत? ये जाएगा ही नहीं? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भी, पर कम जाएगा, इतना नहीं जाएगा, ज्यादा तो प्रदीप चौधरी पे वोट जाएगा, भाजपा पे जाएगा, राजपूत समाज। हाँ जी यार, राजपूत समाज। आपके यहाँ थाना भवन में कितने लोग हैं आप राजपूत लोग? बहुत हैं जी राजपूत, थाना भवन विधानसभा में बहुत राजपूत हैं, तो सब बड़े बड़े गाँव हैं जी। तो क्या आप ही की तरह जो है राजपूत होते हुए भाजपा को वोट देगा? बिल्कुल देंगे जी, आप भी देखियो के कसम कुसम खा ली इस तरीके? अजी नहीं, कसम कुछ नहीं खाई जी, बस यही था थोड़ा विरोध ये करा के राजपूत तो टिकट नहीं दिया। हेलो दोस्तों, मैं शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं एनडी यूपी। हमारे 2024 इलेक्शन की यात्रा पहुंची है थाना भवन विधानसभा पर। हम थाना भवन विधानसभा पर इसलिए पहुंचे हैं कि कल राजपूत समाज की ननोता में बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ। इसी के बीच चलते अब सभी इलेक्शन पर नज़र रखने वाले लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद राजपूत समाज भाजपा से छिटकता हुआ नज़र आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम चीज़ें जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोगों के बीच बैठकर चर्चा करते हैं, हमारे तमाम लोग बैठे हैं और राजपूत समाज से हमारे साथ बहुत जिम्मेदार व्यक्ति जुड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा इन फोकस पर करें और सभी युवाओं को दिखाएँ, तो आगे आएँ जी। सबसे पहले अपना नाम परिचय दीजिएगा और क्या आप राजपूती हैं? मेरा नाम अरविंद राणा है, गाँव ख्यावड़ी है, मैं राजपूत समाज से हूँ। क्या लग रहा है कि राजपूत समाज की जो ननोता में जो मीटिंग हुई, इसके पीछे का राज क्या है? क्या कौन लोग हैं जो इस मीटिंग को कर रहे हैं? इसका वो है रीजन कि इसमें जो है भाजपा वालों ने ठाकुर को टिकट नहीं दिया, इसलिए नाराज हो रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। तो क्या आप भाजपा से वोट नहीं होगा आपका? नहीं, वोट होगा भाजपा को, पूरा सहयोग है भाजपा को, खुल के सपोर्ट है। मतलब भाजपा को खुल के सपोर्ट क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं आपकी हुक्का पानी बंद कर देंगे राजपूत समाज, बता रहे? नहीं, क्यों कर देंगे, बाबा योगी भी तो बैठे हैं, उनका भी हुक्का पानी बंद थोड़ी ना हो जाएगा, हमें भी तो है हमारे पास आती। अच्छा। हाँ जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब है, भाजपा को उठ जाएगी, भाजपा सबको बराबर का दे रही है, इसलिए मतलब भाजपा की योजनाओं से प्रभावित हो आप लोग? हाँ जी, पूरे प्रभावित। इकरा हसन को देख रहे अब राजपूत समाज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रदीप चौधरी जी पर उठ जाएगी और एक राज हसन को भी देंगे, कुछ बंदे ऐसे हैं जो उसे देंगे, बाकी मगर ज़्यादा और तो चौधरी साहब पे जाएंगे, प्रदीप चौधरी जी। मतलब ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक हसन पोर्ट जाएगा, झूठ है इसका मतलब? हाँ, ये झूठ ही है जी ये। हाँ जी, तो मतलब क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार क्या समाजवादी से बेहतर है? ज़्यादा बेहतर है जी, हर चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, भाजपा वाले सबको बराबर रख दे रहे। समाजवादी सरकार भी कह रही थी हमने सबको हक दिया? नहीं, कुछ नहीं, गुंडागर्दी तो होती उस टाइम, आप देखो कितनी शांति है, मोटरसाइकिल चेयर रात को यहीं रह जाओ दुकान के सामने, कोई ठहरने की हिम्मत ही नहीं किसी की, यही खड़ी मिलेगी सुबह आके देखेंगे। तो हमने 100 नंबर दी थी? अजी नहीं, 100 नंबर तो दी थी उन्होंने, पर काम तो नहीं कर रही थी, 100 नंबर भी काम नहीं कर रही थी ना, काम नहीं कर रही 100 नंबर, अभी तो काम करना शुरू करा बाबा योगी जी की सरकार में। तो मतलब योगी जी को देखोगे आप, किसी और चीज को नहीं? भाई योगी बाबा जी को देखेंगे हम तो, उत्तर प्रदेश में जी हमारे तो यही है, राजपूत है तो इसलिए आप भी उसी तरह जाओगे। हाँ जी, बाबा पे जाएंगे। ये कौन लोग है जो पंचायत कर रहे हैं? ये ठाकुरी है जी, ये तो अपना विरोध भी कर रहे हैं, अपना वोट तो नहीं आई थी, जाएगी और कहाँ जाएगी, वोट में जाएगी भी? हाँ जी, बीजेपी पे जाएगी जी वोट तो, मतलब ज्यादा पसंद है बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी बढ़िया पसंद है जी। हिलने वाला नहीं कह रहे इकरा हसन के संपर्क में जा लिए? नहीं जी, नहीं कोई लेंगे जी, बब्बा को जागे उठ। तो पंचायत में कहाँ के लोग थे? क्षेत्र के थे, मैं तो अपने उस पर विरोध कर रहे थे कि ठाकुर को टिकट नहीं दिया, आगे इस पर मैं फोकस करेंगे, आगे उन्हें भी टिकट देंगे। अच्छा। हाँ जी, तो आगे जो है वो इसका मतलब वोट बीजेपी पे ही होगा? हाँ जी, बीजेपी पे होगा वोट। खैर, ठाकुर जो है दिल का बड़ा केड़ा है, दिल बड़ा पत्थर है, अगर कहीं का विरोध कर दे तो कर दे, ऐसा कुछ है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, गलत बात है जी, कोई किसी का अपने घर की तोड़बंदी हुई नहीं किसी के हाथ में। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब जो है ऐसा नहीं है? ना जी, ऐसा नहीं है जी। तो वोट जो है बीजेपी को ही होना? बीजेपी को ही होगा जी। क्यों, सांसद प्रदीप चौधरी की तरफ क्या देख रहे हैं आप? क्या राजपूत समाज जो है
कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक आदमी की वीडियो बना लेता है कि भाई एमपी साहब के खिलाफ है, क्या आप भी एमपी साहब के खिलाफ हो? नहीं जी, एमपी साहब के खिलाफ नहीं, हम एमपी साहब जो है हमारे बहुत सज्जन आदमी है। हाँ जी सज्जन है। हाँ जी सज्जन है जी। थाना भवन सीट पर कैसे पता आपने? हम मिले जी, प्रदीप चौधरी जी से मिले हैं, इसलिए पता हमें। कैसे आदमी है? अच्छे सज्जन आदमी है जी, बेहतरीन आदमी, काम करने वाले बंदे। लगता है कि जब की बार जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी, बारी मतों से, अब का तो और भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अब का मतलब अब की बार और ज्यादा? हाँ जी, अब का क्योंकि ये जैन चौधरी जी भी तय गए ना इसके साथ ही। अच्छा, हाँ जी, तो हाँ जी, साथ में है जी। तो अब का तो और भी भारी मतों से यादव कह रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे हम। अजी नहीं होता, हाँ जी, उनके वजह से नहीं होता जी। जी उनके वजह से नहीं होता जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर देंगे। नहीं जी, गलत है जी। जी नहीं जी, भाजपा को सपोर्ट है जी, फुल हमारे तरफ से पूरी जो है सपोर्ट है, पूरी सहमति। मतलब क्या लग रहा है कि जो है हर सर्व समाज उधर ही जा रहा है बीजेपी जी? इस सरकार में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, सबको सुविधा मिल रही है, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको अच्छे तरीके से सब सुविधा मिल रही है। क्या राजपूत समाज पूरा आपने लग रहा है उधर ही जा रहा है बीजेपी पे? हाँ जी, बीजेपी पे जाएगा, हिलने वाला नहीं। नहीं जी बिल्कुल, एक राशन के संपर्क में, एक राशन पे जाने का, सब बीजेपी पे जाएंगे। तो ये मीटिंग की क्यों हुई इधर नरोत्ता? बस जी होती रहे मीटिंग, तो कुछ नहीं होने का, सब भाजपा पे जाएंगे। मतलब जो है वोट देंगे, योगी जी को देख रहे ऊपर? हाँ जी, सब योगी जी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है फिर? कुछ लोग सोशल मीडिया पे दिखा रहे कि राजपूत खिलाफ हैं। नहीं जी नहीं, खिलाफ नहीं है, सब हो राजपूत। ये थोड़ा ये विरोध था, अगर इस पर अमल कर लेंगे भाजपा सरकार, फिर अपना फिर एक एक है, अब भी एक है, फिर भी एक है। मतलब राजपूत जो है अलग नहीं हटने वाला? ना जी, अलग नहीं हटने का। अब सुरेश राणा जी कैसे अलग हट जाएंगे? मैं भी तो हमारे विधायक जी हैं, यहाँ से मंत्री जी भी रहे हैं, मैं भी तो ठाकुर ही हैं, मैं कैसे अलग हो जाएंगे भाजपा? बताओ, मैं सुरेश राणा है इसलिए जो है। हाँ जी, उनके साथ भी रहना पड़ेगा, उनके साथ भी रहना पड़ेगा। मैं विधानसभा से थाना भवन विधानसभा से ही हैं, मैं मंत्री जी हैं हमारे। अच्छा, हाँ जी, ठाकुर ही हैं, ठाकुर ही हैं जी। बताओ मैं कैसे छोड़ देंगे बीजेपी को? तो मतलब जो है कहीं ना कहीं राजपूत समाज को भी भटकाया जा रहा। हाँ जी, भटकाया जा रहा जी, लोग भटकाने की कोशिश। हाँ जी, कुछ भटकाने की कोशिश कर रही जी। तो हिलने वाला नहीं राजपूत? नहीं जी, हिलने के नहीं जी। तो सुरेश राणा की वजह से है कुछ मामले इधर? पूरा पुल है जी, सुरेश राणा जी को सपोर्ट है पूरा। कुछ मैसेज गया सुरेश राणा की तरफ से उधर से? हाँ जी, सुरेश राणा जी का मैसेज जा रहा सबको, भाजपा को वोट करो। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है कि योगी जी सरकार सही चल रही है, या कह रहे हैं विपक्षी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी है, या फिर इस तरीके का है चोरी ज्यादा हो रही? नहीं जी, कहाँ गुंडागर्दी, चोरी कहाँ हो रही जी, अब कुछ नहीं है। अब तो मोटरसाइकिल यहाँ रहेगी तो रात को यही मिल जाएगी सभी, एक टाइम यही। महंगाई हो रही होगी सरकार में? महंगाई तो पहले से ही चलती आ रही जी, बताओ कौन सी महंगाई हो रही है? महंगाई तो पहले से ही चलती आ रही जी। हाँ जी, तो सबने वाले नहीं, मतलब एक राशन को नहीं वोट सकता? ना जी, बीजेपी को जाओ वोट तो। बीजेपी को? जी बीजेपी को जी, खुल गए जी। केरे राजपूत और सैनी एक हो गए? नहीं जी नहीं, कहाँ हो गए, सैनी भी जाएंगे, किस पे जाएंगे? भाजपा पे ही, प्रदीप चौधरी जी पे ही हैं, सैनी भी केरे एक राशन पे जा रहे हैं? अजी नहीं, गलत। नहीं, राजपूत की निशानी जब तो कह रहे जी भाजपा को उठ जाएगा। तो जानते हैं कुछ राजपूतों का क्या अलग से कुछ होता है? नहीं जी, कुछ नहीं होने का, सभी नोटिस पे जाएंगे भाजपा पे। तो मतलब हिलने वाला नहीं है? नहीं जी, हिलने के नहीं जी। तो लोकसभा का कैसा रहेगा? लोकसभा का टॉप रहेगा जी, जितने बैठे सब राजपूत बैठे, कोई नहीं हिलने का, सब किसी का पूछ लो, सब भाजपा पे जा रहे हैं? भाजपा पे जा रहे हैं, भाजपा जी जी भाजपा। आज हम मौजूद थे थाना भवन विधानसभा पर, हमने जानने की कोशिश की कि आखिर राजपूत समाज पर जो चर्चाएं चल रही है वो क्या हकीकत है, क्या जो है झूठ है। ये तमाम चीज़ें हम देखने के लिए इधर थाना भवन विधानसभा में राजपूत समाज के बीच पहुँचे थे, और जो बारीकी हमने समीकरण बतलाया था, यानी कि हम नकुड विधानसभा पर 12 गांव करीब राजपूत समाज के लगते हैं, हमने वहां का समीकरण निकाला था जाकर, तो वहां के मीडिया सोशल मीडिया पर कुछ युवा होते हैं जो भाषण अलग दे देते हैं, लेकिन वोट अगर बात की जाए, जो बात चलाई जा रही है कि राजपूत इकरा हसन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, वो तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं गलत है। हमारा जो समीकरण हमने शुरू में आपको समझाया था वही समीकरण होगा, और वो हमने क्या समझाया था, अगर आप हमारी वीडियो लगातार देखते हैं तो पिछली वीडियो से आप समझ गए होंगे कि समीकरण क्या कोरोना लोकसभा पर होने वाला है। आप अगर हमें पसंद करते हैं तो NDUP को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू।